अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। दोस्तों यहाँ पर जो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज़ है, जल्दी यहाँ पर दो स्मार्टफोन लाने वाली है। यहाँ पर एक जो है इन्फिनिक्स का नोट 7 होने वाला है और दूसरा जो है नोट 7 लाइट होने वाला है। नोट 7 के जो हैं तमाम कन्फर्म फीचर जो हैं वो आ चुके हैं, इसके ऊपर हमने डिटेलिंग वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर लाइट वेरियंट में क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये इसका एक छोटा भाई दिया जाएगा। यहाँ पर इसमें जो है हमें स्पेसिफिकेशन तो कम देखने को मिलेगी, प्राइस भी एक एवरेज रखी जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाते हैं, प्राइसिंग क्या रखी जाएगी पाकिस्तानी मार्केट में, और यहाँ पर कब तक जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है इन्फिनिक्स। तमाम की तमाम जो डिटेल है वो मिलने वाली है इस वीडियो में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं। और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिजाइन एंड डिस्प्ले वाइज देख लेते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है बैक में हमें पॉली कार्बोनेट देता है, जहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। और यहाँ पर जो कैमरा क्वाड कैमरा तो दिया गया है, लेकिन जो कैमरा डिज़ाइन है वो बिल्कुल इन्फिनिक्स नोट 9 की तरह होने वाला है, जो कि हमें कैमरा मॉड्यूल इंक्रीज देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप साथ में LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रेयर की साइड ही देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, जो कि 6.5 इंच का एक IPS LCD वाला पैनल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में आता है। HD+ की जो है डिस्प्ले प्रोवाइड की जाएगी इस स्मार्टफोन में। तो बात कर लेते हैं वेरिएंट की, तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 4GB के साथ 64GB वाला जो है वेरिएंट प्रोवाइड करने वाला है। अभी तक इसका वेरिएंट का बताया गया है, शायद से इसके 3GB वाला भी आ जाए और या फिर 6GB वाला भी आ सकता है। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है हमें मीडियाटेक की चिपसेट तो देने वाला है, जो कि मीडियाटेक हीलियो P22 के साथ में आने वाला है। अब देखो ना यार, इन्फिनिक्स जो है P22 की जान नहीं छोड़ रहा, तो यहाँ पर इसको अपग्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमराज की, तो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो स्मार्टफोन है बैक में हमें क्वाड कैमरा देता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देता है, साथ में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक QVGA सेंसर देता है। फ्रंट में यह जो स्मार्टफोन है हमें 8 मेगापिक्सल का एक इन डिस्प्ले कैमरा देता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर P22 जो है 48 मेगापिक्सल का जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स जो है, देखो ना यार ये चीज़ मतलब बहुत सारे स्मार्टफोन जैसे कि टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स जो है मतलब जो बदल कर रहे हैं जो कस्टमर हैं अपने, यानी कि अगर देखा जाए तो अब टारगेट किया जा रहा है कैमरा को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो P22 जो है नहीं सपोर्ट करता 48 को, ना ही P35 करता है, लेकिन यहाँ पर पिक्सल बढ़ा दिए जाते हैं और बाकी जो क्वालिटी होती है वो तो 12 मेगापिक्सल से भी नीचे हो रह जाती है। तो ये एक सच है, और यहाँ पर बाकी पिक्सल भी बढ़ा देते हैं और ये गेम कैमरा की चल रही है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन के OS और UI की, तो एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर UI जो है इसमें X6 दिया जाएगा। यहाँ पर हमें जो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हमें यहाँ पर माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तानी मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये की प्राइस के राउंड अबाउट में रहने वाला है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये जो स्मार्टफोन है 22 या 23 हज़ार रुपये की प्राइस में आ जाएगा। लॉन्चिंग डेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अभी तक इंडोनेशिया में जो है जल्द लॉन्च होने वाला है, उसके बाद ही कुछ न्यूज़ वगैरह जो है सामने निकल कर आ जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों की कोई भी राय हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।